कैकेयी वचसो धर्म अधर्म्यत्वेन वनगमनं निषेधन्तीं कौसल्यां रामः पितृवचस्त्वात् तस्य धर्म्यत्वं निश्चित्य स्वगमनम् अनुमन्तुं प्रस्ता प्रस्थान प्रस्थान मंगलानि च विद्या विधातुं कौसल्यां प्रार्थयता तथा तो विपल पीं कौसल्यातर उवाच लक्ष्मण दीन सत्ल सदृश वच न रोचते मेतदार्यद्रघवो वनम त्यक्वा राज्य श्रिय गे स्त्रिया वाक्यवशंग विपरीत

रिपुना मपीवत्सलम अवेक्षमानह कोधर्मम त्याजेत पुत्रम कारणाद तादितम वचनम राग्य पुनर भाल्य मुपेयुद पुत्रको ह्रदये कुरियात राजकृत्तम अनुत्तम अनुस्मरण यावदेवन जानाति कशिद अर्थमिमम द्वनरह तव देवमया साध मात्मस्थम कुरुशासनम मया पाश्वे सधनुषा तव गु, गु, गुप्तस्य राघव राघव कह समртоधिकं कर्तुम कृतांतस्येव तिष्ठतह निर्मनुष्यामि मां सर्वा मयोध्या करिष्यामि शरैस्तीक्ष्णै यदि स्थास्यति विप्रिये भरतस्यात पक्षो वायो वास्य हितमिच्छति सर्वान् स्थान् मृदुर्भूय प्रोत्सा कैकेयी संतुष्टो यदि निता अमितभूस व्यता गुरोरप्यविप्र वलिप्त कार्यकार्यमजानतः उत्पतं प्रतिपन्नस्य कार्यं भवति शासनं भलमेश किमाश्रित्य हेतुं वा पुरुषोत्तम दातुमिच्छति कैकेयै उपस्थितमिदं तव त्वया चैव मया चैव कृत्वा वैरमनुत्तमं कास्यशक्ति श्रियं धातुं भरतायारिशासन अनुरक्तोस्मि भावेन भ्रातरं देवी तत्वतः सत्येन धनुषा चैव दत्तेनिष्ठेन तेषपे दीप्तमग्निमरण्यं वा यदि राम प्रवेक्ष्यति प्रविष्टं तत्र माम देवीत्वं पूर्वम मवधारय हरामि वीर्य दुःखं ते तमस्सूर्य हिवोदितः देवी पश्यतु मे वीर्यं राघवश हरिष्ये पितरं वृद्धं कैकेया सक्तमानसं कृपणं च स्थितं बाल्ये वृद्ध भावेन गर्हितं एतत्तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः उवाच रामं कौसल्या रुदति शोकलालसा भ्रातुस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुत यदान तत्व यदि रोचते न छाधर्म्यं वच श्रुवा सम्या मम भाषित विहाय शोकसत गंतुमर्हसी मात धर्म जीति धर्म चरितुमिच्छसि शुश्रूषमामि हस्तं चरधर्ममनुत्तमम् शुश्रूषु जननीं पुत्र स्वगृहे नियतो वसन् परेण तपसा युक्तः काश्यपस्त्रि गतह गत राज पूज्यस्ते गौरव तथा तांसा हम नाजा न गयो वनम अग् गे कार्य जीवित सुखेन चया सह मम श्रेयस्तृणी भक्षण यदि वनम त्यक्वा शोकलालसाहम प्रायिष्ये न शक्षा जीवित ततस्व प्राप्से पुत्र निरत लोक विश्रुत ब्रह्म हत्यामी वा वा धर्मा सरिता विलपन्तीं तथा दीनाम कौसल्यां जननीं ततः उवाच रामो धर्मात्मा वचनं धर्म नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम प्रसादये शिरसा गन्तुम् इच्छाम्यहं वनं ऋषिना च पितुर्वाक्यं कुर्वता वनचारिणा गौर्हि गौर्हता जानता धर्मं पंडुना च विपचिता अस्माकुले पूर्व सगर सीता खनदिखनि सागर भूमिम्वाप सुमहानद जामदघन राण रेणुका जननी स्वयं कृत्ता परशुनारण्ये पिताचन कारण एतरन्यैष बहुभिर्दि दिवि देव समैष्कृत पितुर्वचन करिष्यामि पितुर्हितं न नक्लवेतन मयैकेन क्रियते पितृशासनम् एतैरवि एतैरपि कृतं देवी ये मया परिकीर्तिताः नाहं धर्मं अपूर्वम् ते प्रतिकूलम् प्रवर्तये पूर्वाय अयम् अभिप्रेतो घटो मार्गोनु गम्यते तदेतत् तुमया कार्यम् क्रियते भूविनान्यता पितुर्हीवचनम् कुर्वन् नकं कश्चित तामेव मुक्त्वा जननी लक्ष्मणं पुनरभ्रवीत् वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठ श्रेष्ठ सर्व तव लक्ष्मणजा नामी मै स्नेहम विक्रमं चैव सत्वं च तेजस्य सुदुरात्सदम् मम मतुर्मह दुखम मतुल शुभलक्षण अभिप्रा न विजा सत्य से से च धर्मो परमो लोके धर्म सत्यम प्रतिष्ठ्येत पितचन मुद्दों संश्रुत पितुर्वाक्यं मातुर्वा ब्रमण सेतव्यम व्रीया वीर वृथा वीर धर्ममाश्रित्य तिष्ठत ठता न कर्तव्यम वृथा वीर धर्म आश्रि तिठता सोहम पुनर्नियोगम तिवा नियोगमति वर्तितुं पितुर् हि वचनाद् वीर कैकेयाहं प्रचोदितः तदेतां विसृजा नार्याम् क्षत्र धर्म आश्रितां मतिं धर्ममाश्रयमा तैक्ष्णं यद् बुद्धिरनु अगम्यतां तमेव मुक्त्वा सौहदात् भाद्रातरं लक्ष्मणान्ग्रज अग्रजः उवाच भूय कौसल्यां प्राञ् शिसाथ हनुमस्व मेवी गमीष्यों वनम शापिता मम प्राण कुमन स्वस्थ्यम स्वस्थ्य निच् मे तीन प्रतिज्ञश्च वनात् पुनरेप्याम्य पुनरेप्याभ्यहं पुरीं यया तिरिवराजशिः पुरा पुनर्दिवम् शोक संधारितां संधार्यतां साधुमाशुचः वनवासाधिहैष्यामी पुनः कृत्वा पितुर्वचः त्वया मया च वैदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया पितुर्निर्योगे स्था तव्यम् एष संभारान् दुःखं हृदि च निगृह्य च वनवासकृता बुद्धिर्मम धर्म्यानुवर्त्यमाम् मन वर्त्यतां वनवासकृता बुद्धिर मम धर्म्यानुवर्तयतां एतद्वचस्तस्य निशम्य माता सुधर्ममव्यग्रम विकलवम च वृतेव संज्ञां प्रतिलभ्य देवी समीक्ष रामं पुनरित्युवाच यथव पुत्र पिता गुरुस्वधर्मेण हम चुजा न मं विहाय सुदुखिता पुत्रगन्तुम किं जीविते नेह विना मे लोकन वा मृतेन श्रेयो मुहूर्तं तव सन्निधानं ममैव कृत्स्नाधपि जीवलोकान नरैरि नरैरिवे नरैरि वोल्काभि परपोह्यमानो महागजो द्वान्तमबिप्रविष्ठ भूय प्रजजवाल विलापमेवम निशम्य राम करुणं जनन्याः समातरं चैव विसंज्ञकल्पम् आर् आर्थं च सौमित्रिमभिप्रत अप्रतपतम धर्मेस्थितो धर्म्यमुवाच वाक्यं यतासये वाहति तत्र वक्तुम एव तत्र वक्तुम अहम् हिते लक्ष्मण नित्यमेव जानामि भक्तिं च पराक्रमं च ममत्वबिप्राय सनिरीक्ष मात्र सहाभ्य मात्रा सहाभ्यर् सी मूदुख धर्माद काम खलु जीवलोके समीक्षिता धर्म सर्वे तेस्पुर संशय मे भार्ये वश्याभिमता सपुत्र यस्मिन्स्तु सर्वे स्पुर सन्निविष्टा धर्मो यतस्या तुक् क्रमेत अद्वेश्यो भवत्यर्त परोहित लोके कामात्मता स्वल्पति खल्वति न प्रशस्ता गुरुश्चरा पिता च वृद्ध क्रोधा प्रहसा अथवा काम यद्यादि यद्यादिशेत अवेक्ष्य धर्म कस्त न कुया अनुष्णा अनुशसम अनुशंस वृद्धि न ते नक्नोमी पिता प्रतिमा कर्त गतावत् यथावत् सकलम् यथावत् सह्यावद्योस्थाय सह्यावस्तोयोस्तात गुरुर्नियोगे देव्याशभर्तास गतिश्च धर्मः तस्मिन् पुनर्जीवति धर्मराजे विशेषतस्वे पति वर्त्तमाने देवी मया साधमितोपि गच्छेत् खतम स्विन स्विन धन्या विधवेव नारी समानुमन्यस्ववनम व्रजंतम कुरुश्वनस्वस्य ययनानि देवी यता समाप्ते पुनरावृजेयम यताहि सत्येन पुनर्ययाति यशोह्यहं केवल राजकारणान प्रष्टतः कर्तुमलम महोदयम अदीर्घकालेन तु देवि जीविते वृणेवरामध्यमहीमधर्मतः प्रसाधयन्नरः वृषभस्समातरम् पराक्रमाज्जिगामि जिगामिषुरेव दण्डकान् वृषमनुष्य अशास्य दर्शनं चकारतां हृदि जननीं प्रदक्षिणम् इत्याशे श्री श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकविंशः सर्गः